हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है पूजाई जिसको हिंदी वर्जन में हिम्मतवर नाम दिया हुआ है पूजाई का मीनिंग होता है प्रेयर इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में साथ ही में रिलीज किया गया था तमिल में पूजाई नाम था तेलुगु में पूजा था वहीं पर हिंदी डब वर्जन लेटर ऑन डब किया था जिसमें हिम्मतवर नाम था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें शेयर करेंगे फिल्म की शूटिंग कैसे की गई थी इसके अलावा इस फिल्म के कई रिमेक्स बने हुए। उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे फिल्म का एक प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत भी करेंगे इसके अलावा फिल्म से जुड़े जितने भी जो छोटी मोटी अपडेट है वो भी शेयर करेंगे फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली सभी वर्जन में देख सकोगे उसके ऊपर जानकारी देंगे साथ ही में इस फिल्म से जुड़े जितने भी जो छोटी मोटी बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और ख़ुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफ़ी हाई माना जाता है तो एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिल तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डिरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज़ को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफ़ी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विज्ञान और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी ये फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थु कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने थे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवाई जिसको निवास ने गाया हुआ था वोड़ी वोड़ी गाने को पलक्ट श्री राम ने गाया हुआ था इप्पा करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार, सत्यान और एंटन एंटनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उईरे अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गवाया गया था जिसका नाम था वेरूर कंदी रहती तो ये सभी गाने में पे अवेलेबल है जहां पे इसको एक 2014 को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक तो और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहां पे इससे पहले सेकंड

कंपोज ते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अल अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को तो सूरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो थे फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक चालीस दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सीक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बर्सन के बीच में एक मॉल में कोइम्बत्तर में एक सो सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार का त्याश ने कंफर्म किया था पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलाई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब आव, अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था। के रोल में सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवै ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया है पांडे के रोल में पांडे

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कन्नाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नाडा वर्जन था सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हर्षा ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में किया था पुनीत राजकुमार रश्मि का मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी वापिस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से वासु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहां पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सुरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पे किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते है जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनके इस विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक प्रीटिकूट रोल दिया गया था एक बेड गाय के तौर पर वहाँ पर उस मिट्टी रोल में वो काफी बढ़िया नजर आते हैं उनके उस किरदार में उन्होंने बखूबी एक देफ लाया हुआ है फिल्म में वो काफी मजबूत रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं एक्शन सिक्वेंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीज़ों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफ़ी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग था वहीं पे वहाँ पे जो नेसेसरी रोमेंस था वो फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे यूज़ किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीजों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किया जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नजर आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का, का काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल गुड तौर तो आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा आ, क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की की जा सकती थी कुल मिला के विशाल की पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा इंटरटेन सेकंड लेकिन और और देखा जाए तो बाईस अक्टूबर दो हजार चौदह को, को थियेटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आईम पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँच मिनट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगु वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सेटल ट के रिल रिलीज किया हुआ था वहां पे भी एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी पूजा फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में इस इस फिल्म फिल्म के OTT दोनों राइट्स खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को उन्होंने हिम्मतवर नाम के साथ सेंसर करवा के डब करवाया हुआ था डबिंग फिल्म की अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे जीफा ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में

जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का आप ऑफिशियली और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफी हाई माना जाता है तो एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डिरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विज्ञान और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी ये फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम नामुत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने थे दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवथाई जिसको निवास ने गाया हुआ था ओडी ओडी गाने को श्रीराम ने गाया हुआ था था इप्पा डी करके गाना था। उसको और राहुल ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार, सत्यान और एंटन एंडनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था वी रे, वी रे। इसके अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गाया गया था जिसका नाम था वेरू कंदी थे तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली अक्टूबर 2014 को तमिल तेलगू वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक तो और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इससे पहले सेकंड

कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहां पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए के लिए काफ़ी लंबे समय बाद एक किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अल अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को तो सूर्ति हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी चौदह टाके आए हुए थे स्टिचेज आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप कोयम्बेतू मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे पर्सन शूट किए गए तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सीक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोइम्बतर में एक सो सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टन भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार को श्रुति हसन ने कंफर्म किया था कि पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट ने उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासुका रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासुके लव इंटरेस्ट का रोल था जहा पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी की सुबे दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलाई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब आव, अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में मधुमिलाश्वर्या देखने को मिलेंगे मिलेंगे दुर्गा के के रोल रोल में में अभिनया देखने देखने को को की वाइफ मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सुंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवै ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे देखने

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कनाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नाडा वर्जन था एक सनड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हर शाह ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मिका मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी वापिस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहाँ पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सुरती हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पे किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते है जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगन्ना करके एक गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगना के सामने किस तरह से वो खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफी बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस में जो काम है वो आपको काफी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफी इंप्रेसिव

विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए हैं जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ में आपको काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नजर आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का, का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग किए गए वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल गुड तौर तो आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला विशाल की ये पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफ़ी ज्यादा इंटरटेन सेकंड लेकिन और और देखा बाईस अक्टूबर दो हजार चौदह को, को थियेटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आई पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँच में तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ और टी के रिलीज किया हुआ था वहाँ पे भी एक अच्छी भी और हासिल हुई थी हिम्मतवर नाम के साथ सेंसर करवा के डब करवाया हुआ था डबिंग फिल्म की अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में

जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म को सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफी हाई माना जाता है एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डिरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विजयन और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी ये फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने

कंदी रहती तो ये सभी गाने में पे अवेलेबल है इसको एक 2014 को तमिल तेलगून में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक तो और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इससे पहले सेकंड

कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहां पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अल अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को तो सुरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो थे फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक चालीस दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोइम बस्तर में एक सो सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टन भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार को यशसन ने कंफर्म किया था कि पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट ने उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासुका रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासुके लव इंटरेस्ट का रोल था जहां पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदवम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्न जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वह जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबे को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में मधुमिलाश्वर्या देखने को मिलेंगे मिलेंगे दुर्गा के के रोल रोल में में अभिनया देखने देखने को को की वाइफ मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवई ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे को मिलेंगे गुरु के रोल में इमाना जी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर आर सुंदर ने काम किया हुआ है अन्ना थंदवम का का जो लॉयर रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओ के सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पे अन्ना थंदवम के जो थे उसमें कराटे राजा और पी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहां पर कनाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नाडा वर्जन था एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हर ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर 2017 को फिल्म को थिएटर में रिल किया था पुनीत राजकुमार में थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही हुई थी, और पे एक कहानी है वो पूरी तरह से वास्तु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहाँ पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते जिसका नाम है दिव्या जो रोल सुरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते हैं जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगना के सामने किस तरह से वो खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफी बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस में जो काम है वो आपको काफी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफी इम्प्रेसिंग

को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकेंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको काफी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफी इंटेंस नजर आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का, का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग किए गए हो वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल गुड तौर तो आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट आप काफी ज्यादा इंटरटेन सेकंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज़ के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आई पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तेलुगु वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ और के रिलीज किया हुआ था वहाँ पे भी एक अच्छी भी हासिल हुई थी फिल्म के हिंदी के थे वो जी वालों ने खरीदे हुए थे, थे। हिम्मतवर नाम के साथ सेंसर करवा के करवाया हुआ था डबिंग फिल्म की अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर सेटेलाइट वर्जन हिम्मतवर नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पूजा फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है यानी कि हिम्मतवर उसको आप जी फाई एप या जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग सब हिंदी डब बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है उसको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिम्मतवर नाम के साथ आप जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का आप ऑफिशियली टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफ़ी हाई माना जाता है एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरि को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज़ को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफ़ी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट पच्चीस करोड़ था जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विजयन और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी है फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छे गाने थे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवा देवथाई जिसको निवास ने गाया हुआ था ओडी ओडी गाने को पलक्कड़ श्रीराम ने गाया हुआ था इप्पा डेई करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल नाम्बिया ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार सत्यान और एंटन एंटनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उ रहे, रहे। इसके अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गाया गया था जिसका नाम था कंदी तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है जहां पे इसको एक अक्टूबर दो हज़ार चौदह को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली वी म्यूजिक और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो हजार तेरह में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पर बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलाबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहां पे इससे पहले सेकंड बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे इससे पहले तमीरा भरानी फिल्म में उन्होंने बलॉबरेशन किया हुआ था वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म की एक अनाउंसमेंट की थी जहां पे बताया गया था विशाल खुद प्रोड्यूस करेंगे जिसके अलावा इसके अलावा बताया गया था डायरेक्टर के द्वारा हरी के द्वारा की एक ट्राइंगर एक्शन स्टोरी होने वाली है जिसको कोयम्बत से स्टार्ट करेंगे पटना में पटना में एंड करेंगे उसके बाद में बताया गया था कि म्यूजिक के तौर पर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहां पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्या और सूरी को भी इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को सुरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिगड्रॉप कोयम्बेतू मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोयम्बतर में एक सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहां पे कुछ रिस्क स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार सन ने कन्फर्म किया था पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्न स्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी शिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलाई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में मधुमिला देखने को मिलेंगे मिलेंगे दुर्गा के के रोल रोल में में देखने देखने को को की वाइफ मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशलिया देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सुंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवई ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे को मिलेंगे गुरु के रोल में इमानाजी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर आर सुंदर राजन ने काम किया हुआ है अन्ना थंदवम जो का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओ के सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पर अन्ना थम के जो हैंचमैन थे उसमें कराटे राजा और पोंडी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेज में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कन्नड़ा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नाडा वर्जन था वो एक, एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हर ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मिका मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक प्लॉग तो इसमें इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल प्ले कर रहे है, है जहाँ पे उनका एक बिजनेस है, वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर जान बचाते नाम है सत्य राजनीतिक सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से वो खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफी बढ़िया था उनकी एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका जो लुक है वो काफी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनकी विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक बढ़िया नजर आते हुआ मजबूत रोल प्ले करते हुए नजर में काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीजों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट एंटरटेनिंग था वहीं पर वहां पे जो नेसेसरी रोमेंस था फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीजों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नज़र आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफी डिसेंट था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का, का काम काफी बढ़िया नज़र आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग किए गए वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नज़र आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल गुड तौर तो आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट आप काफी ज्यादा इंटरटेन सेकंड ठीक ठाक है लेकिन और और तेलुगू तो के के तो वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आईएमडी पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगु वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी और सेटेट

विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर सेटेलाइट वर्जन हिम्मतवर नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा चैनल जी जी सिनेमा और एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यानी कि यान हिम्मतवर उसको आप जी फाई एप या जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग हिंदी डब बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है उसको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिम्मतवर नाम के साथ आप जो कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और ख़ुद ही लीड रोल में थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफ़ी हाई माना जाता है तो एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिल तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डिरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज़ को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफ़ी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है और जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी है फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे थे, वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छह गाने थे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है देवा थाई जिसको निवास ने गाया हुआ था ओडी ओडी गाने को पलक्कड़ श्री राम ने गाया हुआ था इप्पा करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल नामिया ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार सत्यान और एंटन एंडनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उ रहे, रहे। इसके अलावा कार्तिक पूजा के पास एक गाना गवाया गया था जिसका नाम था कंदी तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली वेट्यूब पे अवेलेबल है जहां पे इसको अक्टूबर चौदह को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक डीओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली वी म्यूजिक और डी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2013 में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलाबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहां पे इससे पहले सेकंड बार कोलाब्रेशन करते हुए नजर आएंगे इससे पहले तमीरा भरानी फिल्म में उन्होंने कोलाब्रेशन किया हुआ था वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की एक अनाउंसमेंट की थी जहाँ पे बताया गया था विशाल खुद प्रोड्यूस करेंगे जिसके अलावा इसके अलावा बताया गया था डायरेक्टर के द्वारा हरी के द्वारा कि एक ट्राइंगर एक्शन स्टोरी होने वाली है जिसको कोयम्बत से स्टार्ट करेंगे पटना में पटना में एंड करेंगे उसके बाद में बताया गया था कि म्यूजिक के तौर पर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को सुरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए थे तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सीक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोयम्बतर में एक सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्की स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार का श्रुति हसन ने कंफर्म किया था पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी शिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वह जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था, था, अव था। देखने देखने कुमार स्वामी के रोल में वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अवधेश के रोल में मधुमिला सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवै ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे को मिलेंगे गुरु के रोल में इमान अनाजी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर आर सुंदर राजन ने काम किया हुआ है अन्ना जो का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओ के सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पर अन्ना थम के जो हैंचमैन थे उसमें कराटे राजा और पोंडी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेज में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कन्नाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्डा वर्जन था वो एक, एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए ए ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मि का मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक बस्टर फिल्म साबित हुई थी वापस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो हैं वो पूरी तरह से घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहाँ पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते हैं जिसका नाम है सत्यराज जिसको मन सिंह सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाती है उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनके इस विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक प्रीटी कूट रोल दिया गया था एक बेट गाई के तौर पर वहाँ पे उस मिट्टी रोल में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनके उस किरदार में उन्होंने बखूबी एक डेफ लाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी मजबूत रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं एक्शन सिक्वेंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफ़ी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग था वहीं पर वहाँ पर जो नेसेसरी रोमेंस था वो फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीजों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हां विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीजें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफी इंटेंस नजर आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफी डिसेंट था सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का काम काफी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक गुड तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लो को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा आ, क्रिस्ट कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्ट करके सवा दो घंटे की जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहां पर फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंटरटेनर है सेकंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पर आईम पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को टी टी सेटल

जो कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म आप ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफी हाई माना जाता है तो एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वीटी विज्ञान वी और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी यह फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों तो उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे थे, वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छे गाने थे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवथाई जिसको निवास ने गाया हुआ था ओडी वोडी गाने को पलक्कड़ श्री राम ने गाया हुआ था इप्पा डी करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल नाम्बिया ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार सत्यान और एंटन एंटनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उई रे इसके अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गवाया गया था जिसका नाम था वेरूरमी तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली पे अवेलेबल है पे इसको अक्टूबर चौदह को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक डीओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली वी म्यूजिक और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो हजार तेरह में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि विशाल और

म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर करे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहां पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौसल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहां पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को सुरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बर्सन के बीच में एक मॉल में कोयम्बतर में एक सो सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्की स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार का श्रुति हसन ने कंफर्म किया था कि पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट ने उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलाई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अव, अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में ऐश्वर्या देखने को मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्ला के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवई ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में इमाना जी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर अन्ना जो का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया कराटे राजा और पोन्डी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दूँ कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेज में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कनाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्डा वर्जन था कि एक ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हरसा ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मि का मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी वापस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से वासु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहां पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या है, जो रोल सरुज हसन प्ले कर रही है जहां पर उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते हैं जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाती है उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनके इस विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक प्रीटी प्रीटिकूट रोल दिया गया था एक बेट गाई के तौर पर वहाँ पे उस मिट्टी रोल में वो काफी बढ़िया नजर आते हैं उनके उस किरदार में उन्होंने बखूबी एक देख लाया हुआ है फिल्म में वो काफी मजबूत रोल प्ले करते हुए नजर आते एक्शन सिक्वेंस में काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीजों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग था वहीं पर वहाँ पे जो नेसेसरी रोमेंस था वो फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज़ किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नज़र आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीज़ों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीज़ें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किया जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हां विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नज़र आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफी डिसेंट था सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्वेंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पे आठ डायरेक्शन का काम काफी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफी डिसेंट नजर आएगा जहां पर पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल्म तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहां पर फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंटरटेनर है सेकेंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में 22 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आई पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँचवेंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलगु वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ और सेट के रिलीज किया हुआ था वहां पे भी एक अच्छी भी हासिल हुई थी फिल्म के हिंदी के थे वो जी वालों ने खरीदे हुए थे एक डिसेंट में इस फिल्म के अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में

जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म को सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म का एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफी हाई माना जाता है एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डिरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विजयन और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी ये फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थु कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवथाई जिसको निवास ने गाया हुआ था वोड़ी वोड़ी गाने को ने गाया हुआ था। करके गाना था। उसको एंडनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था इसके अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गाया गया था जिसका नाम था वेरू कंदी रहती तो ये सभी गानेवेलेबल है के तो ये गाने में डियो डियो में आपको ऑफिशियली वी म्यूजिक और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पर बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इससे पहले सेकंड बार कोलाबरेशन करते हुए नजर आएंगे इससे पहले तमीरा भरानी फिल्म में उन्होंने कोलॉब्रेशन किया हुआ था वो एक सक्सेसफुल फिल्म फिल्म साबित हुई थी थी पे पे इस फिल्म के एक की की अनाउंसमेंट बताया गया था विशाल खुद प्रोड्यूस करेंगे जिसके अलावा अलावा इसके लाव बताया गया था डायरेक्टर के द्वारा हरी के द्वारा की एक ट्राइंगर एक्शन स्टोरी होने वाली है जिसको कोयम्बतो से स्टार्ट करेंगे पटना में पटना में एंड करेंगे उसके बाद में बताया गया था कि म्यूजिक के तौर पर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहां पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अल अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को तो सूर्ति हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो आठ अप्रैल दो से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सिक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी चौदह टाके आए हुए थे स्टिचे आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप कोयम्बेतू मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पे शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बर्सन के बीच में एक मॉल में कोइम्बत्तर में एक सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहां पे कुछ रिस्की स्टन भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार को श्रुति हसन ने कंफर्म किया था कि पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्न स्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वह जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था सेल्वी के रोल में मधुमिलाश्वर्या देखने को मिलेंगे मिलेंगे दुर्गा के के रोल रोल में में अभिनया देखने देखने को को की वाइफ मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवै ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे को मिलेंगे गुरु के रोल में जी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर रोल था वो उसके लॉयर का रोल भारती ने रोल प्ले किया, के के किया कराटे राजा और पी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर तो पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दू कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कन्नडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नडा वर्जन था सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको हर शाह ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में किया था पुनीत राजकुमार रश्मिका थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही हुई थी, और पे एक कहानी है इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहाँ पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते जिसका नाम है दिव्या जो रोल सुरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते है जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफी बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनकी विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक रोल रोल दिया गया था एक के तौर पे।, पे उस में काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं उनके उस में उन्होंने बखूबी मजबूत रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं एक्शन में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीजों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो है उसको काफ़ी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग था वहीं पर वहाँ पे जो नेसेसरी रोमेंस था फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे यूज़ किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें रूटीन नज़र आएगी चीज़ों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीज़ें काफ़ी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किया जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं चीज़ें काफ़ी इंटेंस नज़र आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्वेंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आठ डायरेक्शन का काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी डिसेंट नज़र आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ एक फिल्म गुड तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्रोडक्ट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा आ, क्रिस्ट कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्ट करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहां पर फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंटरटेनर है सेकेंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आई पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें 5.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तेलुगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ और सेट के रिलीज किया हुआ था वहां पे भी एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी फिल्म के हिंदी के थे वो जी वालों ने खरीदे हुए थे, थे। हिम्मतवर नाम के साथ सेंसर करवा के डब करवाया हुआ था डबिंग फिल्म की अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में भी इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर सेटेलाइट वर्जन हिम्मतवर नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ पूजा फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है यानी कि हिम्मतवर उसको आप जी फाई एप या जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी डब बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है उसको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिम्मतवर नाम के साथ आप इंज जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का आप ऑफिशियली और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोर है रोमांटिक एक्शन रोमांटिक्रामा जहां का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म का एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफ़ी हाई माना जाता है एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरि को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज़ को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा ही बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विज्ञान और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी ये फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवा जिसको निवास ने गाया हुआ था। ओड़ी -ओड़ी गाने को पलक युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था इसके अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गाया गया था जिसका नाम था वेरू कंदी तो ये सभी गाने में पे अवेलेबल है इसको एक 2014 को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहां पे इससे पहले सेकंड

पैस करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अल अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप ओथेन और जानकी सोबेस को तो सूर्ति हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिगड्रॉप कोयम्बेतू मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो थे फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोविंबस्तर में एक सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टन भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार ने कन्फर्म किया था पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्न स्वामी का रोल प्ले किया हुआ उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन

को मिलेंगे गुरु के रोल में ईमाजी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर आर सुंदर राजन ने काम किया हुआ है अन्ना अन्नावम का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओ ए के सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पर अन्ना थम के जो हैंचमैन थे उसमें कराटे राजा और पोंडी रवि ने काम किया हुआ, हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दूँ कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेज में रीमेक किया हुआ है जहाँ पर कनाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्नाडा वर्जन था एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए हर ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मिका मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉप फिल्म साबित हुई थी वापस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से वासु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहां पर उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सरुज हसन प्ले कर रही है जहां पर उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते हैं जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाते उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से वो खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफी बढ़िया था उनकी एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनकी विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक बढ़िया नजर आते उनके उस में भी एक देख लाया हुआ मजबूत रोल प्ले करते हुए बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीजों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट एंटरटेनिंग था वहीं पर वहां पर जो नेसेसरी रोमेंस था फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फिल्म फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है, वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीजों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हां विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में, आप में आपको काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नज़र आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्वेंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आठ डायरेक्शन का काम काफी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता है सोरे गए और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नजर आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक गुड तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा आ, क्रिस्ट कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्ट करके सवा दो घंटे की जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजाई फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंटरटेनर है सेकंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आईएमडी पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को टी टी

विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर सेटेलाइट वर्जन हिम्मतवर नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पूजा फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है यानी कि हिम्मतवर उसको आप जी फाई एप या जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग सब टाइटल हिंदी डब बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है उसको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिम्मतवर नाम के साथ आप जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफी हाई माना जाता है एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरि को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिल तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा ही बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफ़ी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है वी टी विज्ञान और टी एस जय के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक सौ अट्ठावन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी है फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छः गाने दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है देवा थाई जिसको निवास ने गाया हुआ था ओडी ओडी गाने को पलक्कड़ श्री राम ने गाया हुआ था इप्पा डेही करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल नाम्बिया ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजिन निसार सत्यान और एंटन एंटनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उई रे अलावा कार्तिक पूजा एवी के पास एक गाना गवाया गया था जिसका नाम था वेरु कंदी तो ये सभी गाने में पे अवेलेबल है इसको एक 2014 को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था वी म्यूजिक तो और डी ओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि विशाल और हरी पहली बार कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहां पे इससे पहले सेकंड

करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को तो सूर्ति हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेज आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्पररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप कोयम्बेतू मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए थे फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बसन के बीच में एक मॉल में कोइम्बतर में एक सो सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में ज़रूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी और इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार का श्रुति हसन ने कंफर्म किया था कि पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नसwami का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वो वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वह जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में थलई वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब आव, अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में मिला देखने को मिलेंगे दुर्गा के रोल में अभिनया देखने को मिलेंगे की वाइफ के रोल में ऐश्वर्या देखने को मिलेगी रामास्वामी की वाइफ के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सुंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवई ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे को मिलेंगे गुरु के रोल में ईमान अनाजी को रोल दिया गया था टेम्पल ऑर्गेनाइजर के तौर पर आर सुंदर राजन ने काम किया हुआ है अन्ना अन्नावम का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओ ए के सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पर अन्ना थम के जो हैंचमैन थे उसमें कराटे राजा और पोंडी रवि ने काम किया हुआ, हुआ था राय बहादुर के हैंचमैन के तौर पर नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में सॉरी नरेश यादव का रोल

तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कनाडा में अंजनी पुत्र नाम से रीमेक किया गया था कन्डा वर्जन था एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्र का जिसको ए ए ने स्क्रीन प्ले और डेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पचास करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था पुनीत राजकुमार रश्मिका मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी वापस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से वासु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहाँ पर उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सरुत हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पर किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते जिसका नाम है सत्य राज जिसको सिंगाम सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाती उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है यानी कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बना है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनकी एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनके इस विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक प्रीटीकूट रोल दिया गया था एक बेड गाय के तौर पर वहाँ पे उस मिट्टी रोल में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनके उस किरदार में उन्होंने बखूबी एक देफ लाया हुआ है फिल्म में वो काफी मजबूत रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं एक्शन सिक्वेंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीज़ों को डिजाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफ़ी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग था वहीं पर वहाँ पर जो नेसेसरी रोमेंस था वो फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीजों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफ़ी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किए हुए जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हां विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीजें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफी इंटेंस नजर आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफी अच्छा है कैमरा वर्क काफी डिसेंट था सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी डिसेंट नजर आएगा जहाँ पे पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक गुड तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्प कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्प करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजा फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंटरटेनर है सेकंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था था जब थियेटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आईम पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलुगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को वो टी टी

कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म का आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको तेलुगु में नाम दिया हुआ था पूजा जिसका मीनिंग होता है प्रेयर ये एक 2014 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है रोमांटिक एक्शन ड्रामा जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन हरी ने खुद किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सेम है यानी कि विशाल ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और खुद ही लीड रोल में थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था फिल्म को एक अच्छे खासे बजट यानी कि पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था दो में वो भी तमिल एक रीजनल फिल्म के हिसाब से 25 करोड़ का बजट काफ़ी हाई माना जाता है तो एक अच्छे बजट में फिल्म को बनाया हुआ था वैसे हरी को सिंगम के बाद एक अच्छा खासा डायरेक्टर के तौर पे फेम मिला हुआ था वैसे उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था जैसे कि सामी भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी द तमिल फिल्म जो फिल्म का टाइटल ही था तमिलान तो वो उस फिल्म के साथ उन्होंने डरेक्टर में डेब्यू किया हुआ था उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी सिंगम सीरीज को भी उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है तो बीच में उन्होंने पूजा बनाई हुई थी तो वो फिल्म भी काफ़ी बड़े बजट में बनाई गई इसलिए इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था जहां पे इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रियन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है और टी एस के द्वारा एडिटिंग की गई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था दो घंटे अड़तीस मिनट लंबी यह फिल्म थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवान शंकर राजा ने काम किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे म्यूजिक के राइट्स वी म्यूजिक और डी म्यूजिक ने खरीदे हुए थे युवान शंकर के द्वारा कंपोज किया गया था फिल्म के जो लिरिक्स थे थे, वो नाम उत्थ कुमार के द्वारा लिखवाए गए थे टोटल छे गाने थे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है देवत ने गाया हुआ था ओडी ओडी गाने को पलक्ट श्री राम ने गाया हुआ था इप्पा डी करके गाना था उसको मिली नेर और राहुल नाम्बिया ने गाया हुआ था सोड़ा बोटल गाने को याजी निसार यान और एंटन एंटनी नदसान ने गाया हुआ था युवान शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने एक गाना गाया हुआ था फिल्म में जिसका नाम था उई रे। इसके अलावा कार्तिक पूजा के पास एक गाना गवाया गया था जिसका नाम था वेरूरमी तो ये सभी गाने फिलहाल में ऑफिशियली पे अवेलेबल है जहां पे इसको अक्टूबर चौदह को तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था म्यूजिक डीओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली वी म्यूजिक और डीओ म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें दिसंबर 2013 में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि विशाल और और हरी पहली बार कोलाबरेशन करते हुए नजर आएंगे इससे सेकंड बार बताया गया था विशाल खुद प्रोड्यूस करेंगे जिसके अलाव, इसके अलावा बताया गया था डायरेक्टर के द्वारा हरी के द्वारा कि एक ट्राइंगर एक्शन स्टोरी होने वाली है जिसको कोयम्बत से स्टार्ट करेंगे पटना में पटना में एंड करेंगे उसके बाद में बताया गया था कि म्यूजिक के तौर पर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एडिटर इन सभी को लिया गया था श्रुति हसन जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करे उनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम खुद फिक्स किया हुआ था इस फिल्म के लिए तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद की हुई थी जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो दिसंबर में श्रुति हसन को लीड रोल के लिए सजेस्ट किया गया था उनको बाद में इसमें स्टोरी सुनाई गई थी बाद में उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया और फिल्म को साइन किया हुआ था सत्यराज और सूरी को भी इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था कौशल्या ने इस फिल्म के साथ कम किया हुआ था जहां पे उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए काफी लंबे समय के बाद एक कम किया हुआ था रेखा को भी अप्रोच किया गया था विशाल की माँ के रोल के लिए लेकिन उनकी डेट नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाद में राधिका को अप्रोच किया था जिन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा हुआ था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स थे जिनको इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए लिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में प्रताप पोथेन और जानकी सोबेस को सुरती हसन के पेरेंट्स के लिए अप्रोच किया गया था एंडी जमेरिया को एक स्पेशल नंबर के लिए अप्रोच किया गया था एक फोक सॉन्ग था विशाल के साथ उनको परफॉर्म करना था तो इस तरह फिल्म की शूटिंग की गई उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी थी वो 8 अप्रैल 2014 से चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी एक एक्शन सीक्वेंस के साथ सालीग्राम में जहाँ पे विशाल इंजर हुए थे उनकी मिडल फिंगर इंजर हो गई थी 14 टाके आए हुए थे स्टिचेस आए हुए थे फिल्म की शूटिंग को बाद में टेम्प्ररी रोकना पड़ा आइटम नंबर था विशाल एंड्रिया के बीच में उसके बाद में मई महीने में बिग ड्रॉप मार्केट में सेट किया हुआ था वहाँ पर शूट किया गया था कोयम्बतूर की शूटिंग में काफ़ी सारे मेजर पर्सन शूट किए गए तो फिल्म के सीन के वहीं पे इस फिल्म का एक 40 दिन लंबा शेड्यूल रखा हुआ था उसके बाद में फाइट सिक्वेंस का जो पॉपुलर एक मॉल मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे शूट किया हुआ था विशाल और श्रुति बर्सन के बीच में एक मॉल में कोइम्बत्तर में एक सीन भी फिल्माया गया था जो आपको फिल्म में जरूर देखने को मिला होगा वो आई लव यू वाला सीन वही सीन इसके अलावा <coughs> काराईकोड़ी में इस फिल्म की जुलाई महीने में शूटिंग स्टार्ट की गई थी इस तरह से फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था 14 अगस्त सॉरी 2014 हज़ार चौदह अगस्त के पहले वीक में पटना में 10 दिन का शेड्यूल रखा था तब तक फिल्म की 95 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ पे कुछ रिस्क स्टंट भी करवाए गए थे और इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था एक फिल्म का गाना था उसको आखिर में पोलैंड में शूट किया हुआ था तो इस तरह से पूरी फिल्म को शूटिंग करवाई गई थी जहाँ पे उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार श्रुति हसन ने कंफर्म किया था पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट में उसके बाद में काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में विशाल और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे विशाल ने इस फिल्म में वसुदेवन रत्नस्वामी का रोल प्ले किया है उर्फ वासु का रोल श्रुति हसन दिव्या के रोल में देखने को मिलेगी जो वासु के लव इंटरेस्ट का रोल था जहाँ पे उसमें डी का नाम से उनको प्रोनाउंस किया गया है एस पी सिवा कुलुथुन का जो रोल था वो सत्यराज ने प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी लक्ष्मी रत्नास्वामी का रोल है वासु की माँ का रोल वो राधिका ने प्ले किया हुआ था अन्ना तंदावम के रोल में मुकेश तिवारी देखने को मिलेंगे कुत्ती पुल्ली के रोल में सूरी रत्नास्वामी जो वासु के फादर का रोल था वो रघुनंदन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर रामास्वामी जो वासु के अंकल का रोल था वो जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ था दिव्या के फादर और मम्मी का रोल था वो प्रताप पोथेन और जानकी सुबेन को दिया गया था कुमार स्वामी के रोल में वसल विजय देखने को मिलेंगे राय बहादुर का रोल था वो अब अवधेश मिश्रा ने प्ले किया हुआ था के रोल में ऐश्वर्या देखने को मिलेगी रामास्वामी की वाइफ रामा के रोल में सितारा देखने को मिलेगी सुशील कुमार स्वामी के रोल में कौशल्या देखने को मिलेगी मनिक मिल्लाई के रोल में रेणुका ने काम किया हुआ है सौंदर का रोल सुंदर राजा को दिया गया था कोवई ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो मनोबला ने प्ले किया हुआ है पांडे के रोल में पांडे देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में माननजी को रोल दिया गया था टेंपल ऑर्गेनाइजर के तौर पे आर सुंदरराजन ने काम किया हुआ है अन्ना थंदवम का जो लॉयर का रोल था वो उसके लॉयर का रोल है वो संतन भारती ने रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा के फादर के रोल में ओएके सुंदर ने रोल का प्ले किया हुआ है वहीं पे अन्न थंदवम के जो हिंचमैन थे उसमें कराटे राजा और पोंडी रवि ने काम किया हुआ था राय बहादुर के हेंचमैन के तौर पे नरसिंह यादव ने काम किया हुआ है नरेश यादव इस फिल्म में भर सॉरी नरेश यादव का रोल है वो भरत राजा ने प्ले किया हुआ है वहीं पे दिव्या के जो फ्रेंड का रोल था वो निशा ने प्ले किया हुआ है चित्रा चित्रा के रोल में आपको सवर्णा आनंद देखने को मिलेगी केरला मिनिस्टर का रोल नहीं बिहारी ने प्ले किया हुआ है सिस्टर यानि वासु की वासुकी सिस्टर का रोल है वो आरा ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा रंगमल्ला आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे एंड्रिया जेरिमिया ने इसमें सोडा बोटल जो कान है उसमें स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इससे पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रीमेक किया हुआ है जहाँ पे कन्नडा में अंजनी पुत्रा नाम से रीमेक किया गया था कन्नडा वर्जन था एक सन ड्रामा वाला वर्जन था सन ऑफ अंजनी नाम होता है अंजनी पुत्रा का जिसको ए हर सा ने स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन का, का काम किया हुआ था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था इक्कीस दिसंबर दो को फिल्म को थिएटर में किया था पुनीत राजकुमार रश्मि का मंदना रमिया कृष्णन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी काफी तबाही मचाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी वापिस पूजा की कहानी के ऊपर आ जाते तो इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से वासु के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल विशाल प्ले कर रहे एक मनी लेंडर है जहां पे उनका एक फाइनेंस बिजनेस है वेजिटेबल मार्केट में इसके अलावा वो एक लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है दिव्या जो रोल सुरुज हसन प्ले कर रही है जहाँ पे उसके साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताने लगती है वहीं पे किसी एक दिन वो एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाते है जिसका नाम है सत्यराज जिसको सिंगा सिंगन्ना करके एक ट्रेडेड गैंगस्टर है मुकेश तिवारी वो रोल प्ले करे उसकी गैंग के द्वारा उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है तो उस अटैक से उस पुलिस ऑफिसर को वासु बचाती उस अटैक के बचाने के बाद वासु को पता चलता है कि सिंगन्ना जो एक उन, उसकी फैमिली में जो एक थ्रेट है कि उसके गांव में जो फैमिली है वासु की फैमिली उसमें के ऊपर जो थ्रेट है वो और सिंगन्ना का के जो वही गुंडा है जिसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया हुआ है तो दोनों के जो विलन है वो सेम ही है यानी कि मुकेश तिवारी यानी कि सिंगन्ना बाकी की कहानी यही है कि वासु किस तरह से इस पूरी फैमिली को इनके उसकी पूरी फैमिली को बचाता है और इस आ, एविल क्लचिस यानी कि सिंगन्ना की इस प्रकोप से सिंगन्ना के सामने किस तरह से खड़ा रहेगा उसको कैसे खत्म करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है विशाल अनडाउटेडली इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपने कंधे पे इस पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जिस तरह से किरदार के ऊपर उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस में जो काम है वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा साथ ही में इस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं उस इमोशनल सिक्वेंस में वो काफ़ी इंप्रेसिव थे श्रुति हसन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका जो लुक है वो काफ़ी आई कैंडी था इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो बढ़िया है उनके इस विशाल के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी मुकेश तिवारी को एक प्रीटिकूट रोल दिया गया था एक बेट गाई के तौर पर वहाँ पे उस मिट्टी रोल में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनके उस किरदार में उन्होंने बखूबी एक देव लाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी मज़बूत रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं एक्शन सिक्वेंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है एक्शन कोरियोग्राफर ने जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया था वो बढ़िया था विशाल का जो हीरोइजम है उसको काफ़ी परफेक्ट मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग था वहीं पर वहाँ पर जो नेसेसरी रोमेंस था वो फिल्म को काफी बढ़िया बना रहा था कॉमेडी एक्शन के, एक के एपिसोड इन सभी चीजों को रेगुलर इंटरवल पे यूज़ किया हुआ था वो काफी बढ़िया था कॉमेडी सूरी ने काफी बढ़िया तरीके इसमें एक अच्छा फन क्रिएट किया हुआ है खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी फिल्म की है वो रूटीन नजर आएगी इंटायर जो रन है फिल्म का जो एक एंगल दिखाया हुआ है वो सभी चीजें रूटीन नजर आएगी चीज़ों को ट्विस्ट को जिस तरह से इंटरवल पर रिवील किया जाता है उसके बाद में चीजें काफी ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाती है विनल विलेन को जिस तरह से काम दिया हुआ है उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल डिलीवर किया हुए, जो परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है हाँ विशाल को इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ें मिली हुई थी जिस तरह से उनके किरदार को शोकेस किया हुआ था वायलेंस को जिस तरह से दिखाया हुआ सेकंड हाफ में वो डिसेंट था एंटायर सेकंड हाफ आप में आपको आप काफ़ी सारे एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते चीज़ें काफ़ी इंटेंस नज़र आती है और उसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आएगी जिस तरह से लाइट का यूज़ किया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है कैमरा वर्क काफ़ी डिसेंट था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से विलेज के सेटअप को कन्विंस मैनर में दिखाया हुआ है उसको जिस तरह से सेटअप किया हुआ था वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का, का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ठीक ठाक काम नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता सॉरी गाने और बेहतर हो सकते थे लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था वो डिसेंट लेवल का था जो सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है फिल्म के डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग की गई वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी और नीट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी डिसेंट नज़र आएगा जहाँ पर पूरी फिल्म को जिस तरह से दिखाया हुआ है एक फिल्म तौर पर आप देख सकते हो इसके अलावा डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लॉट को खींचा हुआ है उसको वो थोड़ा क्रिस्ट कर सकते थे काफी रूटीन प्लॉट था उसको इतना खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म काफी ढाई घंटे से बड़ी है तो उसको थोड़ा क्रिस्ट करके सवा दो घंटे की किए जा सकती थी कुल मिला के विशाल की ये पूजा फिल्म है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफ़ी ज्यादा एंटरटेनर है सेकंड हाफ ठीक ठाक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में बाईस अक्टूबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जब थिएटर में रिलीज किया तो क्रिटिक्स की तरफ से एक रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसी चीज के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया जहाँ पे आई पे इस फिल्म को 1200 वोट मिले हुए जिसमें पाँच मिनट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 25 करोड़ के सामने 45 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर तेलगू वर्जन था वो भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वहाँ पर भी करीबन छः सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था और दोनों वर्जन इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और उसके बाद में फिल्म को ओ और सेटे के रिलीज किया हुआ था वहां पे भी एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी पूजा फिल्म के हिंदी वर्जन के राइड थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में इस इस फिल्म फिल्म के OTT दोनों राइट्स खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को उन्होंने हिम्मतवर नाम के साथ सेंसर करवा के डब करवाया हुआ था डबिंग फिल्म की अच्छी थी अभी फिलहाल में हिम्मतवर फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जीफा ऐप और जी सिनेमा के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे जीफा ऐप के ऊपर हिम्मतवर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में भी उट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पर सेटेलाइट वर्जन हिम्मतवर नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा चैनल सिनेमा, और जी सिनेमा उपर, में हिंदी, तो हिंदी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में, देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है उसको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर फ्री में हिम्मतवर नाम के साथ जो ही कर सकते हो तो इस तरह से हिम्मतवर फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो तो बस दोस्तों हिम्मतवर या पूजा फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो फ्री में उसके ऊपर जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म के रिव्यू ऊपर एक रिव्यू किया हुआ स्टोरी के ऊपर डीप में चर्चा की हुई है अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है और अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग तथ्य भी मैंने शेयर किए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू